हाँ बच्चों, हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, है ना। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो चलो फटाफट हेडिंग लगा लो, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ पे आप हम डिस्कसिंग करेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये कैसे फ्लक्चुएट करती है। मतलब पॉपुलेशन जो हो रही है वो अपन कह सकते हैं कि इंक्रीज होती है किसी स्पीसीज की, या किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो अपन इसे फ्लक्चुएशन के ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है ओवर देयर एबायोटिक फैक्टर। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर एक पेट्री प्लेट्स के अंदर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इफ दे हैव द मैक्सिमम स्पेस, दे हैव द मैक्सिमम फूड रिसोर्सेज, है ना। अगर बैक्टीरिया के पास में भोजन ज्यादा है, रहने के लिए स्पेस ज्यादा है, तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कोई ऑर्निजम किसी जंगल में रह रहे हैं या फिर कोई तालाब के अंदर फिश रह रही है, लोटस है, ठीक है, कमल के फूल है, तो उनकी ग्रोथ कब ज्यादा होगी, जब उनके लिए एबायोटिक फैक्टर फेवरेबल होगी, जब उनके लिए टेम्परेचर है, वाटर की सेलाइन कंडीशन होगी, या फिर प्लांट्स के आप कह सकते हो कि सॉइल का कंपोजिशन अगर उनके लिए फेवरेबल होगा तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पॉपुलेशन विद द टाइम इंक्रीज हो सकती है और पॉपुलेशन विद द टाइम क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो होती है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है वो चार पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। चार पॉइंट्स क्या होते हैं, जो चार पॉइंट्स है वो है क्रमशः के नाम होंगे, द फर्स्ट वर्ड इज नेटेलिटी, जिसको हम कहते हैं जन्म दर, है ना। नेटेलिटी का मीनिंग क्या हो गया कि आप ये कह सकते हो कि अगर हॉस्पिटल के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, अगर उनका एवरेज ज्यादा है, न्यू बॉर्न बेबी ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल की जन्म दर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हॉस्पिटल के अंदर पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा। वैसे किसी शहर के अंदर अगर मैं कह दूं कि वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, जन्म दर वहां की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस शहर की पॉपुलेशन, वहां की ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। देर आर टू मेन फैक्टर, द वन इज जन्म दर नेटेलिटी एंड द अदर वन इज मॉर्टेलिटी, जिसको हम कह सकते हैं मृत्यु दर, है ना। अगर किसी तालाब के अंदर जो मछली है उसकी मरने की दर ज्यादा है, उसकी मृत्यु दर मॉर्टेलिटी ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, उस तालाब के अंदर फिश की स्पीसीज जो है उसका जो पॉपुलेशन हो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर। सबसे पहले ये दो मेन फैक्टर वर्क जो है वो वर्क करेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर। कौन कौन से दो मेन फैक्टर है, जन्म दर और मृत्यु दर, है ना। अगर जन्म दर ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, मृत्यु दर ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी वर्ड है। बट अगर हम किसी न्यू हैबिटेट्स के ऊपर बात करते हैं, न्यू हैबिटेट्स के ऊपर बात करने वाला हो गया कि जैसे कोई तालाब है जो नया नया न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है ना, नया नया बना हुआ तालाब है, कोई झील है, या फिर एकदम कोई नया बसा हुआ शहर है, तो वहां पर एक वर्ड आता है इमिग्रेशन। क्या वर्ड आता है, इमिग्रेशन। अब देखो इस वर्ड के ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। इमिग्रेशन हिंदी में इसको कहते हैं आप्रवासन। इमिग्रेशन आप्रवासन का मतलब होता है कि किसी हैबिटेट के अंदर बाहर से नए ऑर्गेनिज्म का एड ऑन होना, बाहर से नए ऑर्गेनिज्म का आ जाना, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। अगर कोई न्यूली क्रिएटेड तालाब है या अगर कोई नया बसा हुआ शहर है और उसके अंदर बाहर से आने वाले प्रवासी जो है, बाहर से जो लोग जो है या फिर जो स्पीसीज है, उनके नंबर क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर उस शहर की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इमिग्रेशन क्या करेगा, पॉपुलेशन को प्लस करेगा, जन्म दर पॉपुलेशन को क्या करेगी, प्लस करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है। इमिग्रेशन के साथ साथ एक और वर्ड के ऊपर आप यहां पे डिस्कशन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेशन।
जिसको हम कह सकते हैं उत्प्रवासन, इसको आप ऐसे याद कर लो, एमिग्रेशन हिंदी के अंदर उत्प्रवासन, उठकर चले जाना। उठकर चले जाना इसका मतलब क्या होगा, नंबर्स डिक्रीज होंगे, है ना। अगर किसी पॉपुलेशन में से कोई स्पीसीज उस पॉपुलेशन को छोड़ के या फिर ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन को छोड़ के बाहर निकल गए तो क्या होगा, उस एरिया का पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा, मतलब वो उठकर चले गए वहां से। इमिग्रेशन आप्रवासन, आ जाना बाहर से उस हैबिटेट्स के अंदर नए लोगों का, नए ऑर्गेनिजम्स का एड ऑन होना, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, है ना। सिंपल सी बात हुई है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जो एरिया का पॉपुलेशन होगा, ठीक है, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन होगा वो या तो प्लस होगा या वो क्या होगा, माइनस होगा, या तो बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी किससे, नेटलिटी, जन्म दर, पॉपुलेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या फिर आप कह सकते हो इमिग्रेशन पॉपुलेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज किस किस से होती है, मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी, दूसरा वर्ड एमिग्रेशन उत्प्रवासन, तो इससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो पॉपुलेशन का साइज दो से माइनस और दो से प्लस। नई हैबिटेट्स के ऊपर आप बात कर रहे हो तो इमिग्रेशन में बात करो, एमिग्रेशन में बात करो, आप्रवासन या उत्प्रवासन, या फिर नॉर्मल हो रहा है किसी जंगल की बात हो रही है, किसी हॉस्पिटल की बात हो रही है, तालाब की बात हो रही है, तो वह जन्म दर के ऊपर बात करो या मृत्यु दर के ऊपर बात करना, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। दूसरी बात, जितना ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल होगा, फूड जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगा, तो जो रेट ऑफ पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन का जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। सिंपल सी बात हुई। देन अपने एनसीईआरटी के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला, अगर मैं किसी टी टाइम के ऊपर पॉपुलेशन की बात करूं, किसी एरिया के अंदर मैं ये बोल दूं कि आफ्टर टी टाइम उस एरिया का पॉपुलेशन क्या होगा, तो उसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है एनटी, ठीक है, उसका आप क्या करो, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, जो साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, माइनस मैंने क्या कर दिया, डेथ प्लस एमिग्रेशन, जो साइज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है, मैं ये कह दूं कि भाई किसी एरिया का प्रेजेंट पॉपुलेशन वो एनटी हो गया, पॉपुलेशन का साइज, बी बर्थ रेट है, आई इमिग्रेशन आप्रवासन, डी डेथ है, और ई क्या है, एमिग्रेशन है, उत्प्रवासन है। ये दो जने क्या करते हैं, साइज को बढ़ाता है, और ये क्या करते हैं, साइज को घटाता है, है ना। अगर मैं ये कह दूं कि बी प्लस आई ज्यादा है डी प्लस ई से, तो क्या होगा, पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, बी प्लस आई कम है और डी प्लस ई की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हो कि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम किसी भी एरिया के पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा मीनिंग है, अपने एनसीईआरटी के अंदर इतना दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम बात करेंगे ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर, ओके।